ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी दांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज के लिए शुरू किया गया था। ये सब कुछ हम बहुत समय से सुनते आए हैं, लेकिन आज जानेंगे इसकी पूरी सच्चाई। दोस्तों, क्या सच में ताजमहल एक मंदिर है और आखिरकार ताजमहल के उन 22 कमरों में क्या है, और ऐसे कौन से सबूत मिले हैं जो कि यह बताते हैं कि ताजमहल एक मंदिर है। आज की यह घटना उन सभी के मुंह बंद कर देगी जो हिंदू धर्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जब नासा के वैज्ञानिकों ने खोला कई वर्षों से बंद पड़ा तहखाना, और फिर जो उनके साथ हुआ वह हर किसी को हैरानी में डाल देता है। भारत के एक शोधकर्ता राज किशोर ने जो प्रमाण खोजे हैं वह पूरी सच्चाई हमारी आंखों के सामने रख देते हैं। अब सवाल उठता है कि ताजमहल की जगह क्या भगवान शंकर का मंदिर था? क्या सच में भगवान शंकर का मंदिर तोड़कर वहां ताजमहल का निर्माण करवाया गया था? अगर यह नहीं तो आखिर क्यों ताजमहल के कमरे पिछले 100 वर्षों से बंद पड़े हैं? क्या उन कमरों में कोई सनातन धर्म से जुड़े सबूत छुपाकर रखे गए हैं, या फिर कोई अन्य खजाना? आज हम इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। आज भारत में यह विवाद बहुत ही जोरों पर है कि ताजमहल असल में मुगलों ने नहीं बल्कि भारतीय राजा ने बनवाया था, जिसमें पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था। ऐसा इतिहास में पहले भी हो चुका है, जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, क्योंकि बाद में सबूत मिले थे कि उस मस्जिद की जगह वहां पर एक मंदिर था। और इस बार भी कोर्ट में ऐसे सबूत पेश किए गए हैं कि ताजमहल भी पहले एक मंदिर था और उसके सबूत उन ताजमहल के 22 कमरों में कैद है। आज की यह घटना एक किताब जिसका नाम द कंप्लीट ताजमहल से शुरू हुई, उस किताब में उन 22 कमरों के बारे में काफी कुछ बताया गया है। कहा जाता है कि ताजमहल की जगह पहले भगवान शिव का पुराना मंदिर था, जिसे शाहजहां ने तुड़वा कर ताजमहल का निर्माण करवाया था। जब वैज्ञानिक राज किशोर ने इस किताब को पढ़ा तो उनके मन में इस मामले के बारे में जानने की इच्छा प्रकट हुई। वह महादेव के सच्चे भक्त थे और साथ ही साथ वे साइंस को भी मानते थे, जिसके बाद राज किशोर राजे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह याचिका दायर कर दी और यह बताया कि हम ताजमहल के उन 22 रहस्यमय कमरों को खोलना चाहते हैं और उनके अंदर के रहस्यों को समझना चाहते हैं, क्योंकि जब उन तालों को खोला जाएगा तभी तो चौंकाने वाले सबूत अंदर से निकलेंगे। आखिर पिछले 100 सालों से ताजमहल के वह 22 कमरे क्यों बंद है? ताजमहल को बारीकी से देखने के लिए वैज्ञानिक राज किशोर ताजमहल की दीवारों का आकलन करने लगे और वहां पर उन्हें वह सच्चाई दिखी जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। यहां पर उनका कहना था कि ताजमहल की दीवारों पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई चिन्ह मौजूद हैं। कई दीवारों पर तो कमल का फूल बना हुआ है, जिसका मुस्लिम धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बताया, ताजमहल के लाल पत्थर के डिजाइन में सर्प की आकृति है और सांपों का इस्लाम से भी कोई संबंध नहीं है। ऐसे में बहुत बड़ी संभावना यही जताई जा रही है कि ताजमहल सच में कोई प्यार की निशानी नहीं बल्कि महादेव का शिव मंदिर है। लेकिन आखिर उन 22 बंद कमरों का रहस्य क्या है, जिसको खुलवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई? इधर हिंदू महासभा ने खुशी जाहिर की और मिठाइयां बांटी, क्योंकि हिंदू सभा के सभी कार्यकर्ता ताजमहल को हमेशा से तेजो महालय बताते आ रहे थे। वहां के बड़े नेताओं का कहना था कि ताजमहल के प्रति यह पहली याचिका हमारी जीत का पहला कदम है और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि यह सामने नहीं आ जाता कि ताजमहल के उन 22 बंद कमरों का राज क्या है। सन 2022 की बात है, जब अजय शर्मा नाम का एक व्यक्ति बहुत ही उत्साह के साथ ताजमहल देखने आया था। वहां का नजारा देखकर अजय आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि ताजमहल वाकई में बहुत सुंदर था। वहां की भव्य इमारत वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थी। साथ ही संगमरमर से बनी यह इमारत इतनी चमक रही थी कि एक बार तो लाइट भी इसके सामने फिकी पड़ जाए। अजय ने उन दीवारों को ध्यान से देखा तो वहां पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई चिन्ह दिखाई दिए, जो कहीं ना कहीं यह प्रश्न पैदा कर रहे थे कि अगर यह एक मुस्लिम इमारत है तो इसके ऊपर हिंदू धर्म के चिन्ह आखिर क्या कर रहे हैं।
अजय उस समय विज्ञान की ही पढ़ाई कर रहे थे और वह ताजमहल की सच्चाई को और करीब से जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहां पर खोज करना शुरू किया। लेकिन कुछ समय के पश्चात अचानक से वहां पर एक हादसा हो गया, जिसकी वजह से सारी पुलिस दल उस दुर्घटना को रोकने में जुट गए। तभी मौका देखकर अजय जी ताजमहल के निचले भाग में पहुंच गए, जहां पर 22 कमरे उन्हें एक साथ दिखाई दिए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि सभी कमरों के आगे एक एक ताला लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि ताजमहल का एक एक भाग खुला हुआ है, लेकिन इन 22 कमरों पर ही ताला आखिर क्यों जड़ा है? उन्होंने जैसे तैसे करके एक कमरे को खोलना चाहा, उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। जब उन्होंने उस ताले को तोड़ा और उस दरवाजे को तकरीबन 88 साल बाद खोला, तो नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि उस कमरे के अंदर हिंदू धर्म की कई खंडित मूर्तियां मौजूद थीं। साथ ही साथ उन कमरों के अंदर की निकासी पूरी तरह से हिंदू मंदिर के समान प्रतीत हो रही थी, मानो मंदिर को तोड़कर ही ताजमहल का निर्माण किया गया हो। नजारा वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन अजय जी बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि कहीं उनके ऊपर किसी प्रकार का पुलिस केस ना हो जाए। उन्होंने उस दरवाजे को पुनः बंद किया और ताले को पुनः वैसा ही लगाकर वह चुपचाप मौका पाकर बाहर आ गए। लेकिन वह सच्चाई अपनी आंखों से देख चुके थे। वे समझ गए थे कि अगर एक कक्ष के अंदर हिंदू धर्म से जुड़े सबूत है, तो बचे हुए 21 कमरों में और क्या क्या होगा। तभी उन्होंने अखबार में एक जानकारी पढ़ी, जहां पर राजकिशोर राजे ने ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया था। और भगवान ने एक ऐसा संयोग बिठाया कि जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अजय जी जिस कॉलेज में विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे, उसी कॉलेज में राजकिशोर राजे प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। और जब अजय जी ने राजे वैज्ञानिक को यह सारी सच्चाई बताई, तो उनका शक हकीकत में बदल गया। अभी तक उनके मन में केवल और केवल उन 22 कमरों को लेकर संदेह था, लेकिन अजय जी के उस बयान के बाद उनकी शक की सुई पूरी तरह से मजबूत हो चुकी थी। उन्होंने एक बार फिर अजय जी के बयान के आधार पर हाई कोर्ट में पुनः याचिका दायर करी। उनका कहना था, पीएन ओक के किताब के अनुसार ताजमहल एक समय पर भगवान शिव का मंदिर था और यहां पर राजपूताना लोग भगवान की पूजा किया करते थे, लेकिन एक बार शाहजहां की बुरी नजर ताजमहल के ऊपर पड़ गई और उसने इस शिव मंदिर को तुड़वाकर यहां पर एक मकबरे का निर्माण करा दिया। ठीक इसी प्रकार ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों से ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। हम आशा यही करेंगे कि महादेव की कृपा हो और जल्द ही सच्चाई हम सभी के सामने आ जाए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो ने सच्चाई आपके सामने रखी है, तो लाइक अवश्य करें हमें सपोर्ट दिखाने के लिए, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा ऐसी ही